यार हो या पैर हो या पाखुर हो चाहे घेंट हो, घेंट तो सर ऐसे खाली पकड़ लेंगे तो खत्म। नमस्कार, कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं बेड रेस्ट में हूँ, तो एक वीडियो कैमरामैन सोनू कुमार गए हैं, एक वीडियो मैं उनके मार्फत आप तक पहुँचा रहा हूँ, जिसको जिसमें आपको काफी लाभ होगा। मतलब हड्डी के एक वैध है, हड्डी या बहुत सारी बीमारी, उन्हीं के बीमारी मैं आपको सुनवाता हूँ। सोनू कुमार जी वहाँ गए हैं और एक छोटा सा वीडियो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि जिसको आप देखें और इसका लाभ उठाएं। हालांकि काफ़ी अनुभव, 20 वर्षों से ये वैद्य हड्डी के रोग पर काम कर रहे हैं और काफ़ी सफल भी रहे हैं, बहुत लोग ठीक भी हुए हैं। तो आप भी देखें, अगर आपको तकलीफ हो तो यहां इनके पास पहुंचे और अपनी बीमारी को ठीक करें। धन्यवाद। तो हम पहुँच गए हैं पोस्ट ऑफिस के पास, पंडितपुर, बहादुरपुर में पड़ता है जी। तो सर तो नहीं आ पाए, मैं आया हूँ, मेरा पैर थोड़ा सा दिक्कत हो गया था एक्सीडेंट में, जो मोच आया था आप लोग जानते ही हैं, तो दवा से ठीक नहीं हो रहा था और आज लगभग 20 रोज हो गया दवा खाते खाते, लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो सर के, हमारे संतोष सर के ये दोस्त हैं तो वही भेजे हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर आपका नाम क्या हुआ? उमेश चौधरी बैद जी। बैद जी, उमेश चौधरी बैद जी जी। तो सर ये कब सीखे आप? बहुत पहले से सीखे हैं सर। हमारा जब मोच हो गया, फुटबॉल खेल रहे थे, मोच उग गया तब से हम सीखे हैं। तो लगभग कितने साल हो गया आप? 20 वर्ष से ज़्यादा ही हो गया। तो आपके गुरु भी कोई रहे हैं कि नहीं? अपरूपी हम सीखे हैं सर। अपरूपी जी, कोई बताने वाला नहीं? कोई बताने वाला नहीं, हम गाय भैंस माल जाल बकरा बकरी आदमी सबको बैठाते हैं। अच्छा, तो अच्छा एक बात बताइए, आप मतलब पैर में मोच आता है या ये सब, ये अगर उतर कर अंदर फंस गया, कोई डॉक्टर बोलेगा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, हम तुरंत 2 मिनट के अंदर निकाल देंगे, कंप्लीट ओके जैसा है ऐसे कर देंगे। जैसे मैं यहाँ उतर गया तो लगभग 10,000 5,000 से ऊपर लगेगा ऑपरेशन करने में जी। लेकिन ये पल भर में थोड़ा सा समय, 2 मिनट भी नहीं लगेगा उसको, हम कंप्लीट कर देंगे। जैसे ये उतर जाता है और मतलब बाती होती ऐसे, वो सब मिनट का खेला है, तुरंत मतलब पूरा बता दीजिए, तुरंत मैंने बैठा देंगे। अगर बैठाने पर रिलीफ नहीं होगा तो दवा भी बना देते हैं। जैसे मेरे हमारे व्यूअर हैं जो जानना चाहेंगे कि आप क्या क्या, मान लीजिए वो तो जान गए कि पैर में होता है क्या, तो वो ठीक कर देते हैं, मतलब क्या क्या आपके पास हुनर है, जैसे तो हुनर वो लोग जान जाएंगे तो। जैसे देखिए, उकमत बाव सिर, भुरभुरा घाव हो गया, लिकोड़िया हो गया, सफ़ेद दाग हो गया, ऐसे गेठिया भी हो गया, उसको भी इलाज करते हैं। ऐसे ये हो गया कि हम जैसे मुसलमान भाई जो है उनका तजिया के हेड मिस्त्री है, हम तजिया ए से जेड तक चाहे जैसा ही बनवावे, जैसा लकड़ी बांध कर अपना से टोटल 100% काम करते हैं। तो वो तो ऑलराउंडर लगता है आप हैं। तो पहले ये बताइए कि ये जो पैर में मोच वोच आता है उसके बारे में बताइए ना। उसको मोच आ जाता है तो उसको हम ऐसे कहीं भी नस में प्रॉब्लम होगा, अच्छा, ये मेरा गारंटी है, पकड़ कर बता देंगे कि यही नस में प्रॉब्लम है, डांड से लेके चाहे कहीं तक होगा, धोकर बता देंगे। तो इसका फीस भी लेते हैं, पैसा भी? फीस नहीं, जो इच्छा होता है जनता का, जो दे देता है वो मेरा है, नहीं देता है भाई। मतलब ये सेवा भाव से आप काम करते हैं जी। अगर किसी को द्वार पर भी हम जाते हैं अपना पेट्रोल जरा कर, गाय भैंस का माने बैठाने के लिए, चाहे घर में बेटी पतो हो जाए उसको बैठाने के लिए जाते हैं। अगर कोई पेट्रोल का दाम दे दिया तो अच्छा है, नहीं दिया फिर भी अच्छा है। हाँ, तो ये अभी के समय में ऐसे लोग मिलना मुश्किल है। तो आप किसी को सिखाते भी हैं? कोई सीखने वाला नहीं है, इसलिए कि कोई बोले कि अपना काम छोड़कर हम दूसरे को क्यों जाएं अथी करें, अपना पैसा खा पेट्रोल खर्चा कर हम जाएं उधर उसको बैठाने उसको बैठाने, तो ऐसा नहीं करता है। तो घर में किसी को सिखा बताए हैं? अभी तो कोई नहीं सीखता है। तो कोई सीखेगा तभी ना सिखाएंगे। ये हुनर है जो मान लीजिए आने वाले समय में आप ये तो विलुप्त हो जाएगा अगर कोई नहीं। अगर कोई सर सीखेगा उसको हम सिखा देंगे। हम तो बोलते हैं कि आप लोग सीख लीजिए कि हमारे देह का माने कुछ उबार हो, है ना। लेकिन कोई सीखता नहीं तो हम क्या करें। अगर कोई सीखेगा, कोई बच्चा भी अगर मेरे साथ आए तो हम उसको सिखा देंगे कि भाई सीखो। तो आप लोग सुन रहे हैं ना, अगर इस क्षेत्र में जनता बाजार, पंडितपुर, भेटवलिया, हरपुर, इस क्षेत्र में कोई भी सीखना चाहता है जी, तो आप इनके पास संपर्क कर सकते हैं जी। अपना नंबर बता दीजिए, अगर कोई व्यूअर देखता हो, अगर ज़रूरत पड़े तो संपर्क इनसे कर सकता है और आ सकता है जी। मेरा नंबर हुआ 95250 10200। सुने एक बार और
रिपीट करवा देते हैं जी, 95-250-10-200। आप लोग को ये नंबर याद रहेगा। डॉक्टर लोग एक्सीडेंटल होता है तो डॉक्टर लोग मेरे को बुला लेते हैं कि थोड़ा ये अथी कर दीजिए है ना, तो ऐसे फोटो जो कराता है लोग सारा, वो डॉक्टर लोग ऐसे हाथ में लेता है, खाली उसको देह पर ऐसे हाथ धरेंगे कंप्लीट, तो डॉक्टर भी अचंभा हो जाता है, भाई खाली हाथ रखा तो कैसे हो गया ऐसे। ये तो हुनर की बात है सब, ये किसी का हुनर का बात नहीं है, देखिए सब ऊपर वाला के देन है। आज जितने आदमी को हम चरण छूते हैं ऊट सुत कर, मैंने बच्चा से लेकर सियान तक माँ बहन सबको चरण छूते हैं, उन्हीं लोगों का दुआ है। आज हमारे चैनल पे ये उमेश चौधरी जी आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ठीक है, ठीक है सर। और आप लोग इनका नंबर है, ये बोले भी हैं, तो आप लोग इनसे मिलिए, इसका पैर में कोई मोच हो, कोई दिक्कत हो, डांड हो या पैर हो या पाखुर हो चाहे घेंट हो, घेंट तो सर ऐसे खाली पकड़ लेंगे तो खत्म, जो मोच आता है जी 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 गर्दन में जी जी जी, उतना तो ऐसे खाली धोरेंगे तो खत्म। आ कितना आदमी होता है कि घेंट ऐसे बजाता है, ऐसे बजाता है, ऐसे बजाने से नहीं होगा, वो तो खाली वो नस होता है नारा हो गया, कैसा हूँ नारा है, वो खाली ऐसे उंगली धो लेंगे। बहुत दूर दूर का यानी बहुत अथी मशरक साइड का, अच्छा तरैया मशरक पूरा सिवान तक का, सिवान के एकदम माने मुसलमान भैलू है, वो भी माने बहुत लोग आता है, बहुत दूर दूर के लोग आता है। ये स्वेच्छा से करते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं, आप गरीब हैं चाहे अमीर हों, ये पैसा नहीं लेते हैं, बशर्ते आपकी इच्छा हो, जो देना चाहें दे सकते हैं। हाँ दवा ववा देते हैं तो दवा में तो भाई ये अपने घर से भी नहीं लगाएंगे, तो दवा के दवा का काम होगा तब दवा देंगे, जरूरत पड़े तब, आ नहीं दवा का काम होगा तो नहीं देंगे। हाँ नहीं देंगे, तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।